हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूरोप चैनल फैक्ट वर्ल्ड में। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो कि अपनी खूबसूरती और अपने बिजनेस सेंटर के लिए जाना जाता है, और यहाँ के लोग पैदल चलने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं बाकी देशों की तुलना में, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैदल चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर देश के बारे में। जी हाँ, सिंगापुर का मतलब होता है शेरों की धरती, परंतु देखा जाए तो यहाँ पर एक भी शेर नहीं है। परंतु इस देश का नाम शेरों की भूमि कैसे पड़ा तो हमें ये भी नहीं पता। सिंगापुर के साथ ही मिशिगन में एक जगह है जो अपने आप में ही एक हॉन्टेड जगह है। उस जगह को सिंगापुर कहा जाता है। आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए होंगे, परंतु आप सभी इन दिनों में या फिर यहाँ पर कभी नहीं गए होंगे। सिंगापुर का नाइट सफारी चिड़ियाघर पूरी दुनिया का एकमात्र चिड़ियाघर है, जहाँ पर आप रात में भी घूमने जा सकते हैं और वहाँ के जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। सिंगापुर में पानी, मलेशिया से दूध, फल, सब्जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दाल, चावल और गेहूँ जैसे अन्य चीज़ें इंडोनेशिया से आयात की जाती हैं। सिंगापुर में पॉर्न वीडियोज या कहे अश्लील फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ कचरा फैलाना या छोटे कपड़े पहनकर अपने गेट के सामने खड़े होना या छोटे कपड़े पहनकर कहीं बाहर जाना, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2003 में ओरल सेक्स को भी बंद कर दिया गया था। इसी के साथ सिंगापुर में एक ही जेंडर के लोग शादी नहीं कर सकते। सिंगापुर कई आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग भारत से 4400 गुना छोटा है। सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जिसे बिना अपनी इच्छा के आज़ाद कर दिया गया था। 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर को अपने से अलग कर दिया था, जबकि मलेशिया के अधिकतर लोग सिंगापुर के साथ ही रहना चाहते थे। सिंगापुर को पूरी दुनिया में पेनल्टी कंट्री, जुर्माने के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पर जुर्माना लगा दिया जाता है। अगर आप सिंगापुर के सड़कों पर थूकते हुए नजर आए तो आपके ऊपर इसके लिए 1000 का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही अगर आप पब्लिक टॉयलेट पर टॉयलेट यूज करें और फ्लैश करना भूल जाते हैं उसके लिए भी आप पर जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर की आबादी 60 लाख के करीब है, पर यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। सिंगापुर की गिनती अमीर देशों के रूप में की जाती है। ये दुनिया का काफी अमीर देश है। यहाँ पर हर छठा व्यक्ति मिलियनर है। यहाँ की सरकार हर साल घटती बर्थ रेट की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इस वजह से यहाँ की सरकार लोगों को अच्छा वेतन देती है और साथ ही एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी देती है, जिसकी वजह से लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करके बाहर घूमने जा सके और यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाए। मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। ये अपने आप में एक और शहर और एक कंट्री दोनों ही है। सिंगापुर की इमारतें 280 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं बनाई जाती, और 280 मीटर की ऊंचाई वाले सिर्फ यहाँ पर 3 ही बिल्डिंग बनाई गई हैं, जिसमें पहली ओयोबी सेंटर, दूसरी यूओबी सेंटर प्लाजा, तीसरी रिपब्लिक प्लाजा। दुनिया का सबसे फाउंटेन भी आपको सिंगापुर में ही देखने को मिलेगा, जो कि सेनेटक सिटी में है। इसे साल 1997 में बनाया गया था। इस फाउंटेन को बनाने में लागत करीब $6 मिलियन थी। सिंगापुर सजा के मामले में भी सबसे आगे हैं, और सबसे अधिक मौत की सज़ा सुनाने वाला देश सिंगापुर ही है। यहाँ पर अधिकांश लोगों को मौत की सज़ा ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले को दी जाती है। यहाँ बात जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जन्म अक्टूबर के मंथ में ही होता है, और आज भी यहाँ पर लोगों का जन्म अक्टूबर मंथ में ही होता आ रहा है। इस बात को तो हम आपको बता नहीं सकते कि वहाँ पर ऐसा क्यों होता है। इसके लिए तो आपको साइंटिस्ट ही आपको ये सब बातें बता सकते हैं, ऐसा वहाँ पर क्यों होता है। यहाँ का सबसे फेमस सरनेम जो है वो है ली और लिम, जो कि चीन से रिलेट करता है। सिंगापुर में हार्ड लैंड की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और यहाँ की सरकार अपनी लैंड एरिया को बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि सिंगापुर कंबोडिया से अरबों क्यूबिक रेत खरीद चुका है, क्योंकि कंबोडिया को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिंगापुर में चिली ग्रैब डीज दुनिया की 7 नंबर की आइकॉनिक डिश है, और यह कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश इलेक्शंस में भाग ले सकता है और वोट डाल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सिंगापुर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही सिंगापुर पर बनी है वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।